एक वक्त की बात है, मनोहरपुर नाम का एक खूबसूरत कस्बा था, जहां अमीना नाम की धोबन रहती थी। मीना की दो औलादें थीं, जयंती और बाला। जयंती, साबुन खत्म हो गया है, हकीम साहब की दुकान से एक कपड़े धोने वाले साबुन की टिक्की ले आ। बाला, जा दुकान से साबुन की टिक्की ले आ। अंधी है क्या, दिखता नहीं? मैं बावर्ची खाने में हूँ और अम्मी ने तुझसे कहा है, तू जाकर साबुन ले आ। मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई है, आज मुझे बाजार जाना है, मैं नहाने के बाद तैयार होने जा रही हूँ। बाजार तो मुझे भी जाना है। तुम दोनों झगड़ना बंद करोगी या नहीं? आखिर बाला को ही उठकर दुकान जाना पड़ा। शाम को मीना अपनी दोनों बेटियों के साथ बाजार गई। जयंती एक चप्पलों की दुकान पर रुक गई। उसे दुकान में रखी गुलाबी रंग की चप्पलें बहुत पसंद आई। अम्मी, मुझे वो चप्पलें खरीदनी है। बेटी, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एक महीने का इंतजार करो, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे कपड़े धोने को मिलेंगे, फिर अगले महीने मैं तुम्हें चप्पलें दिला दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे अभी खरीदनी है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। एक महीने रुकने में क्या जा रहा है जयंती, तुम चाहो तो मेरे चप्पल ले लेना। तेरी सड़ी हुई चप्पलें मैं नहीं पहनूंगी और ना ही महीने भर का इंतजार करूंगी, मुझे गुलाबी वाली चप्पलें अभी चाहिए। जयंती की अम्मी ने दुकानदार से पैसे उधार करके जयंती को चप्पलें दिला दी। बाला, जयंती चप्पलें खरीद रही है, तू एक जोड़ी तुम भी खरीद लो। नहीं अम्मी, मैं एक महीने बाद खरीद लूंगी, घर में नमक खत्म हो गया है, आप नमक खरीद लीजिए। काश जयंती भी तुम्हारी तरह सब्र वाली होती। वक्त बीतने के साथ मीना कपड़े धोकर कमजोर होती चली गई और मीना की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। मीना ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी। निकाह से पहले मीना को बहुत तेज बुखार आया और वो बिस्तर से उठी नहीं पाई। मीना ने जयंती और बाला को अपने पास बुलाया। बेटी, तुम दोनों की शादी तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं तुम दोनों को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। मीना जयंती को एक बेहद खूबसूरत साड़ी और बाला को एक नमक का डब्बा देकर अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मी ने मुझे इतनी खूबसूरत साड़ी दी है और तुझे एक नमक का डिब्बा। तू इसी लायक है। नमक ही सही, पर अम्मी ने दिया है, इसी वजह से ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। कुछ वक्त बाद जयंती और बाला दोनों का निकाह हो गया। दोनों के शौहर घर दामाद थे, मकान के आधे आधे हिस्से में दोनों अलग अलग रहने लगे। एक दिन जब बाला अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वही नमक का डिब्बा मिला जो उसकी अम्मी ने उसे दिया था। मैंने ये डिब्बा आज तक खोल करके भी नहीं देखा, इसका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब बाला ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में नमक के साथ एक पर्ची थी। ये कोई आम नमक नहीं है बेटी, इस नमक को कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर बर्तन को अच्छे से ढक देना और फिर 5 मिनट दिल में उस पकवान के बारे में सोचना जो तुम बनाना चाहती हो। 5 मिनट बाद जब तुम ढक्कन हटाओगी तो पकवान तुम्हें तैयार मिलेगा। एक बात का ख्याल रखना, ढक्कन 5 मिनट से पहले नहीं हटाना है। बाला ने अपनी अम्मी का तिलस्मी नमक इस्तेमाल करके देखा। उसने कढ़ाई में चुटकी भर नमक डालकर कढ़ाई को प्लेट से ढक दिया और 5 मिनट तक छोले के बारे में सोचती रही। 5 मिनट बाद जब उसने प्लेट हटाई तो कढ़ाई में गर्मा गर्म छोले तैयार थे। बाला का शौहर मकान बनाने वाला कामगार था। बाला ने अपने शौहर से कहा, आप मजदूरी छोड़िए और हलवाई बन जाइए, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरे पास अम्मी की दी हुई तिलस्मी नमक है। तिलस्मी नमक की वजह से बाला का शौहर हलवाई बन गया और अच्छे पैसे कमाने लगा। बाला के घर से जब रोजाना लजीज पकवानों की महक आती तो जयंती की लाज टपक जाती। बाला इतने अच्छे पकवान रोजाना कैसे बना रही है? एक दिन जयंती चोरी से बाला के गुसल खाने में जाकर छुप गई और उसने बाला को जादुई नमक का इस्तेमाल करते देखा। अच्छा, तो अम्मी ने तुम्हें तिलस्मी नमक दिया है और मुझे एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी है। ये नमक कुछ दिनों के लिए मैं ले जा रही हूँ, तुमने बहुत पकवान खा लिए, अब मुझे भी खा लेने दो। एक बात का खास ख्याल रखना जयंती, 5 मिनट से पहले प्लेट मत हटा देना। जयंती तिलस्मी नमक अपने घर ले आई और उसने पतीले में नमक डालकर पतीले को ढक दिया। जयंती गुलाब जामुन के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसने 5 मिनट का सब्र नहीं रखा। कितनी देर हो गई है, अब तक तो गुलाब जामुन तैयार हो जाने चाहिए।
जयंती ने 5 मिनट से पहले ही पतीले की प्लेट हटा दी। पतीले से एक बहुत ही डरावना नाग नागिन का जोड़ा निकला और उसने जयंती को डस लिया। कुछ वक्त बाद जयंती का शौहर वापस आ गया तो वो जयंती को अस्पताल लेकर भागा। बहुत ही मुश्किलों से जयंती की जान बच पाई। अम्मी ठीक कहा करती थी बाला, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा सब्र होता। अम्मी जानती थी कि मुझ में सब्र की कमी है, इसीलिए अम्मी ने तिलस्मी नमक मुझे नहीं दिया। तुम ही इस नमक की सच्ची हकदार। यह किस्सा उस वक्त का है जब पृथ्वी पर बादशाहों का राज हुआ करता था। श्रीलंका में एक गरीब किसान के घर में एक खातून का जन्म हुआ जिसके पैर सोने के थे। हमारी बेटी के पैर सोने के हैं, इसी वजह से हम इसे परसोना कह के बुलाएंगे। परसोना जब बड़ी हुई और चलने फिरने लगी तब उसके अब्बू को ये एहसास हुआ कि परसोना धातु मतलब मेटल की बनी हुई किसी भी चीज को अपने कदमों से छूती है तो फिर वो सोने की चीज बन जाती है। अगर लोगों को हमारी बेटी की सच्चाई का पता चल जाएगा तो लोग हमारे फायदे के लिए हमारी बेटी को अगवा कर सकते हैं। किसान ने अपने आका से जादुई जुराब लेके हमेशा के लिए अपने खातून के पैरों में पहना दिए। इस तरह परसोना के जादुई पैरों का राज कई अरसे तक गांव वालों से छुपा रहा। बड़ी होने के बाद परसोना खेत में अपने अब्बू की मदद करने लगी। परसोना, तुम हर वक्त अपने पैरों में जुराबें क्यों पहनती हो? इस वक्त तो कितनी गर्मी है, इन जुराबों को उतार क्यों नहीं देती हो? वो मेरे पैरों में गंदी मिट्टी और गंदे पानी से फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इसी वजह से हकीम साहब ने कहा है कि मैं जुराब पहन कर रहा करूं। कोई भी राज हमेशा राज बनकर नहीं रहता है। एक ऐसी हालत आ बनी जिसकी वजह से परसोना के अब्बू को परसोना के पैरों का राज खोलना पड़ा। राज्य पर चीनी राज का आक्रमण हो गया और चीन का बादशाह सब कुछ लूट कर ले गया। श्रीलंका का बादशाह गांव-गांव जाकर गरीब हो चुकी जनता की हर तरह से मदद कर रहा था। मेरे मुल्क के प्यारे लोगों, इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी को भी भूख से मरने नहीं दूंगा। आप लोग भी अगर हो सके तो एक दूसरे का हर मुमकिन मदद करें। किसान से बादशाह और जनता की तकलीफ देखी नहीं गई। उसने बादशाह को अपनी बेटी के जादुई पैरों के बारे में बता दिया। बरसों बाद परसोना ने अपने जुराब उतारे और वो लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटों पर चल पड़ी। लोहा सोने में बदल गया। इस तरह से परसोना के पैरों की वजह से एक बार फिर मुल्क में खुशी और बरकत आ गई। परसोना बेटी, हम तुम्हें एक महल बनाकर देना चाहते हैं। पूरे मुल्क की यही ख्वाहिश है। बादशाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ अपने ही घर में खुश हूँ। बादशाह की बेटी जैकलीन ने जब परसोना को इतनी इज्जत मिलते हुए देखा तो उसे बेहद जलन हुई। कानू मैं हूँ और सारा सम्मान उस परसोना को मिल रहा है सिर्फ उसके कदमों की वजह से। कानून जैकलीन ने प्रेतों के आका की पूजा की और एक काली चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, मैं तुझे 13 बकरे खाने को दूंगी, सिर्फ परसोना से उसके कदमों की खासियत छीन ले। 13 बकरे, आपका काम हो जाएगा खानुम। परसोना एक दिन जब अपने घर पर सो रही थी तो चुड़ैल ने उसके कदमों पर मंत्र पढ़कर अपना काला पानी छिड़क दिया। अगली सुबह जब परसोना सोकर उठी तो उसके पैर कोयले के बन चुके थे। अब्बू, मेरे पैरों को क्या हो गया, ये बिल्कुल काले पड़ गए हैं। परसोना ने अपने कदमों से जिस भी चीज को छुआ वो कोयले की बन गई। परसोना के अब्बू परसोना को लेकर अपने आका के पास गए जिन्होंने कई अरसे पहले परसोना के खातिर जादुई जुराबे दी थी। ये किसी चुड़ैल के जादू की वजह से हुआ है। तुम्हें अपने पैरों को वापस पहले जैसा करने के लिए पूर्णिमा की चांदनी रात में कमल के फूल के तालाब में अपने कदमों को धोना होगा।
पर सोना ने पूर्णिमा की खिली चांदनी में कमल के फूल से भरे हुए तालाब में जब अपने कदमों को धोया तो फिर वापस उसके पैर सोने के बन गए और एक बार फिर से उनकी खासियत वापस आ गई। खानुम जैकलिन ने फिर चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, तुम्हारे जादू ने असर नहीं किया पर सोना के पैर वापस सोने के बन गए हैं। परेशान ना हो खानुम साहिबा, इस बार मैं परसोना के पास कोई उपाय नहीं छोड़ूंगी। एक रात जब परसोना सो रही थी तो चुड़ैल ने फिर उसके पैरों को कोयला बना दिया और उसी रात मुल्क के सारे तालाबों पर अपना पानी छिड़क कर सभी कमल के फूलों को बर्बाद कर दिया। अब देखती हूँ कि परसोना क्या करेगी। अगली सुबह जब परसोना सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पैर वापस कोयले के बन गए हैं। अरे ये क्या, मेरे पैर तो वापस कोयले के बन गए हैं। परसोना पूर्णिमा की रात में मुल्क के सभी तालाबों पर गई, लेकिन किसी भी तालाब में कमल के फूल नहीं थे। लगता है मुझे इन कोयले वाले पैरों से ही काम चलाना होगा। बादशाह का बेटा मेंडिस पिछले कुछ दिनों से परसोना पर नजर रखे हुए था। वो परसोना से मोहब्बत करता था। अगली सुबह मेंडिस एक कमल के फूल को लेकर परसोना के पास पहुंच गया। परसोना, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कमल का फूल तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मैंने 3 रोज पहले एक तालाब से तोड़ा था। इसे मैंने एक बाल्टी में पानी भरकर रखा हुआ था, इसी वजह से ये अभी तक ताजा है। इसे ले लो वरना ये मुरझा जाएगा। पर सोना ने उस फूल को अगली पूर्णिमा तक पानी में रखकर मुरझाने नहीं दिया। पूर्णिमा आने पर चांदनी रात में परसोना उसी बाल्टी में अपने पैरों को डालकर खड़ी हो गई जिसमें कमल का फूल था। उसके पैर वापस सोने के हो गए और उसकी खासियत वापस लौट आई। एक बार फिर परसोना की किस्मत साथ दे गई, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। चुड़ैल तीसरी बार परसोना के पैरों पर अपना जादू करने के लिए आ गई, लेकिन इस बार आका वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी केतली से पानी निकालकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया और चुड़ैल हमेशा के लिए जलकर राख हो गई।